अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नायला टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज जो मैं आपको टिप बताऊंगी वो है, एक मैं आपको घर में फेस स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। वो घर में ही से चीज़ों से आप अपने फेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फेस स्क्रब बना सकते हैं। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर, ये मैंने लिया है चावल और ये मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। ये हम लेंगे 2 चम्मच ग्राइंड हुए हुए चावल। और इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे नारियल का पानी। ये मैंने इस बोतल के अंदर रखा हुआ है और ये कि मैं जब यूज़ करना होता है वैसे भी फेस के लिए नारियल का पानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप फेस क्लिंजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी ये नारियल पानी। और इसमें मैं ये डालूंगी योगर्ट दही। ये हम 2 चम्मच डाल लेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब रेडी हो गया है। जल्दी से घर में ही, घर की चीज़ से ही हमारा फेस के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब रेडी हुआ। ऐसा चावल को बिल्कुल आपने ग्राइंड करके पाउडर नहीं बनाना, उसके अंदर थोड़ा सा ये देखिए दाने को रहने देना है, जैसे स्क्रब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये आपने अपने फेस पे आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइए, इससे आपका फेस नीट होगा और जो फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं और जो झाइयाँ हैं उनको ये नीट करेगा, फ्रेश करेगा और ये फेस की एक तरह समझे क्लिंजिंग भी होगी इससे और वाइट कलर होगा। अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने 15 से 20 मिनट तक ऐसे मसाज करना है। ये देखिए, इसमें आपको ये नजर आ रहे होंगे चावल के थोड़े थोड़े से दाने। इससे आपका फेस फ्रेश होगा, दाग धब्बे दूर होंगे और जे के स्किन जो है वो वाइट होगी। तो ये आप लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, 15 से 20 मिनट तक आप इसे यूज़ कीजिए फेस पे और उसके बाद फेस को ये के फ्रेश धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। और मेरी इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।